Hello everyone, I'm Nagarjun Sahu and you are watching my YouTube channel Arjun Physics Classes. हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का अपना लेक्चर एडवांटेज ऑफ नेगेटिव फीडबैक. ठीक है, तो नेगेटिव फीडबैक के एडवांटेज को देखने से पहले चलिए हम नेगेटिव फीडबैक की आवश्यकता क्या होती है इसको हम देख लेते हैं. ठीक है, क्या होता है कि किसी भी प्रैक्टिकल एम्पलीफायर का जो गेन होता है, ठीक है, वो क्या होता है, नियरली 1 मिलियन होता है. ठीक है, अब प्रैक्टिकल एम्पलीफायर का गेन 1 मिलियन है, इसका मतलब क्या है कि जब एम्पलीफायर के इनपुट पर कोई सिग्नल दिया जाता है, ठीक है, चाहे वो सिग्नल वोल्टेज सोर्स हो या फिर करेंट सोर्स हो, हमने यहाँ पर वोल्टेज सोर्स को कंसिडर किया है. ठीक है, तो जब एम्पलीफायर के इनपुट पर कोई सिग्नल दिया जाता है, ठीक है, तो इनपुट सिग्नल जो दिया जाएगा, तो यदि गेन एम्पलीफायर का 1 मिलियन है, तो उसका जो आउटपुट सिग्नल मिलेगा, ठीक है, वो क्या होगा, इस इनपुट सिग्नल के 1 मिलियन टाइम्स होगा. ठीक है, मतलब इनपुट सिग्नल में कुछ स्मॉल चेंज भी किया जाएगा तो आउटपुट सिग्नल जो मिलेगा उसमें क्या होगा, 1 मिलियन टाइम्स जो है वो चेंज होकर मिलेगा. ठीक है, तो इससे फ़ायदा तो ये होता है एम्पलीफायर से कि ये क्या करता है, स्मॉल इनपुट सिग्नल को क्या कर देता है, हाई सिग्नल में जो है कन्वर्ट कर देता है. ठीक है, आउटपुट के रूप में हमें क्या मिलता है, हाई सिग्नल मिलता है. ठीक है, लेकिन इस केस में क्या हो जाता है, कुछ जो है यहाँ पर जो एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल मिलता है, ठीक है, उसमें कुछ नॉइज सिग्नल प्रोड्यूस हो जाता है और कुछ हार्मोनिक डिस्टॉर्शन भी जो है प्रोड्यूस हो जाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एम्पलीफायर का गेन अधिक होता है. ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन गेन अधिक होने से जो आउटपुट सिग्नल मिलता है उसमें क्या हो जाता है, नॉइज सिग्नल. ठीक है, जो क्या होता है हमारे लिए अनवांटेड होता है, जो हमें नहीं चाहिए होता है. ठीक है, नॉइजी हो जाता है. ठीक है, और हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, मतलब जो कंपोनेंट है उसमें क्या आ जाता है, कुछ हार्मोनिक डिस्टॉर्शन जो है क्या हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है, वो भी क्या होता है, हमें नहीं चाहिए होता है. ठीक है, तो गेन अधिक होने से क्या होता है कि सिग्नल में जो है नॉइज प्रोड्यूस हो जाता है और हार्मोनिक डिस्टॉर्शन भी जो है प्रोड्यूस हो जाता है. ठीक है, तो इनको दूर करने के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं, इस एम्पलीफायर में जो है निगेटिव फीडबैक अप्लाई करते हैं. ठीक है, और निगेटिव फीडबैक क्या करता है, हम जानते हैं कि किसी भी एम्पलीफायर के गेन को वो क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है. ठीक है, तो ये एक एडवांटेज होता है. ठीक है, कि वो जो है उसके गेन को कम कर देता है. ठीक है, तो ये एडवांटेज क्यों होता है इसको हम देखेंगे अभी. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप. ठीक है, तो नेगेटिव फीडबैक का इसमें यूज़ क्यों किया जाता है. ठीक है, जो वोल्टेज गेन होता है हाई होता है, हाई होने से, ठीक है, आउटपुट सिग्नल में क्या हो जाता है, नॉइज सिग्नल प्रोड्यूस होता है, हार्मोनिक डिस्टॉर्शन जो है प्रोड्यूस हो जाता है. ठीक है, इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस, इनमें जो है क्या हो जाता है और बहुत से इफेक्ट पड़ते हैं, तो इन सबको जो है कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, या फिर एक अच्छे लेवल पर रखने के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं, उस एम्पलीफायर में जो है नेगेटिव फीडबैक यूज़ करते हैं. ठीक है, तो इसके एडवांटेज क्या होते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं. ठीक है, कुछ एडवांटेज पर हम चर्चा करेंगे. ठीक है, जिनमें से क्या है, पहला है स्टेबलाइजेशन ऑफ गेन. ठीक है, स्टेबलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि गेन को हम क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट बनाते हैं. ठीक है, मतलब गेन में कुछ भी जो चेंजेस होगा, ठीक है, जैसे कि डिवाइस में टेम्परेचर चेंजेस होता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, उस डिवाइस में जो करंट फ्लो होता है या फिर उसका जो वोल्टेज होता है, ठीक है, उनमें भी क्या आता है, चेंजेस आता है टेम्परेचर चेंजेस होने से. ठीक है, तो हीट प्रोड्यूस होता है वहाँ पर, तो क्या होता है यहाँ पर देखिए, टेम्परेचर चेंजेस से भी या फिर कुछ ट्रांजिस्टर पैरामीटर्स में भी, ठीक है, क्या होता है, कुछ क्या होता है, चेंजेस होने से, ठीक है, वहाँ पर क्या हो जाता है, उसका गेन जो होता है, ठीक है, अब गेन कुछ भी हो सकता है, करंट गेन, वोल्टेज गेन, ट्रांसकंडक्टेंस गेन, ट्रांसरेजिस्टेंस गेन, ठीक है, ये हम देख चुके हैं, तो इनमें क्या हो जाता है, चेंजेस आ जाता है. ठीक है, तो गेन को हमें क्या करना है, स्टेबलाइज करना है. ठीक है, मतलब उन चेंजेस से जो है इंडिपेंडेंट बनाना है. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर द गेन ऑफ द एम्पलीफायर विथ नेगेटिव फीडबैक इज गिवन बाय. ठीक है, यहाँ पर हम जानते हैं कि नेगेटिव फीडबैक का गेन क्या होता है, ये होता है. ठीक है, मतलब यहाँ पर जो ए बीटा होता है वो क्या होता है, लूप गेन होता है. यही लूप गेन का जो वैल्यू होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू, ये क्या करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक को जो है यहाँ पर, ठीक है, यही जो है क्या करेगा, प्रोड्यूस करता है, मतलब यही डिसाइड करता है. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नेगेटिव फीडबैक के लिए क्या होता है, ए बीटा का जो वैल्यू होता है वो 0 से ग्रेटर देन होता है. ठीक है, और पॉजिटिव फीडबैक के लिए ये जो है 0 से लेस देन होता है, मतलब
नेगेटिव फीडबैक के लिए पॉजिटिव चाहिए, और जो क्या बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक के लिए जो है नेगेटिव चाहिए होता है हमें, ठीक है। ये ए और ये बीटा, ठीक है। बीटा क्या होता है, यहाँ पर फीडबैक नेटवर्क का गेन होता है, इसको हम देखेंगे अभी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नेगेटिव फीडबैक के लिए पॉजिटिव होता है, तो यदि इस ये जो पॉजिटिव है इसको मैं और बहुत अधिक बढ़ा दूँ, मतलब इसको वन से बहुत ज़्यादा ग्रेटर देन बना दूँ, ए बीटा का वैल्यू है, तो इस वन को मैं क्या कर सकता हूँ, नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ए एफ क्या है, यहाँ पर देखिए, ठीक है, एम्पलीफायर का जो है गेन है, ठीक है, विथ फीडबैक, और ए क्या है, केवल ए यहाँ पर इंटरनल गेन है, मतलब विदाउट फीडबैक के केस में जो है ये क्या है, गेन है। तो यहाँ पर देखिए ए एफ क्या हो जाएगा, यदि वन को नेग्लेक्ट कर दूँ तो ये अपन ए बीटा हो जाएगा, ए ए कैंसिल, तो ए एफ इक्वल टू क्या मिल गया मुझे, वन अपॉन बीटा मिल गया, ठीक है। मतलब ए एफ जो है जो इंटरनल गेन था, ठीक है, उससे क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट हमने जो बनाया इसको, इसको क्या बोलते हैं, स्टेबलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब जो गेन है ये वाला मेरा, ठीक है, विथ फीडबैक, ठीक है, ये किस पर डिपेंड कर रहा है, केवल बीटा पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इक्वेशन टू शोज दैट द गेन ऑफ द फीडबैक एम्पलीफायर इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरनल गेन ए एंड डिपेंड्स ओनली ऑन बीटा, द वैल्यू ऑफ बीटा रिमेंस कॉन्स्टेंट, हैंस द गेन इज स्टेबलाइज्ड, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बीटा का जो वैल्यू होता है वो कॉन्स्टेंट क्यों होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि फीडबैक नेटवर्क में हम वो किससे बना रहता है, वो तो ठीक है रजिस्टर या कैपेसिटर या इंडक्टर से जो है बना रहता है, और उनका वैल्यू क्या होता है हम जानते हैं, उनका वैल्यू जो है कांस्टेंट होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो गेन है, ठीक है, वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो निगेटिव फीडबैक के यूज़ से हम क्या कर लेते हैं, गेन को जो है हम क्या अचीव कर सकते हैं, कांस्टेंट अचीव कर सकते हैं, ठीक है। और कांस्टेंट हमने अचीव कर लिया मतलब क्या हुआ, ठीक है, गेन जो है वो क्या हो गया, स्टेबलाइज हो गया, ठीक है। मतलब अब क्या करेंगे, यदि हम इसमें टेम्परेचर चेंजेस भी करेंगे, ठीक है, तो जो वोल्टेज करंट में जो चेंजेस आएगा, ठीक है, तो उससे क्या होता है, गेन में चेंजेस आता है, तो अब गेन में तो चेंजेस आना है नहीं, ठीक है। एफ क्या है, अब केवल बीटा पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, जो क्या होता है यहाँ पर वो होता है, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा गेन क्या हो जाता है, स्टेबलाइज हो जाता है, ठीक है, किसके, निगेटिव फीडबैक के यूज़ से। अब टेम्परेचर चेंजेस हो या फिर कुछ वेरिएशन हो, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन टेम्परेचर चेंजेस जो है एक लिमिट तक होना चाहिए, ठीक है, तब तक मतलब उस कंडीशन तक ना पहुँचे पाए जहाँ क्या हो जाए, वो जो डिवाइस है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है, मतलब एक लिमिट तक ये होना चाहिए। दूसरा क्या है, डिक्रीज इन सेंसिटिविटी, ठीक है। अब ये सेंसिटिविटी क्या होता है, ठीक है, एम्पलीफायर का, वो हम, ठीक है, इसका फॉर्मूला डिराइव करने के बाद जो, ठीक है, मिलेगा फॉर्मूला, उसमें हम डिटेल से समझेंगे अच्छे से कि ये सेंसिटिविटी, ठीक है, एम्पलीफायर का होता क्या है, और सेंसिटिविटी जो है डिक्रीज होता है, और डिक्रीज होना जो है अच्छी बात होता है, ये क्यों होता है ये देखेंगे। लेट अस कंसीडर द सिचुएशन इन विच देयर इज अ चेंज इन द गेन ऑफ एम्पलीफायर ड्यू टू सम रीजंस वी हैव, ठीक है। अब हमारे पास गेन क्या होता है, ये होता है, ठीक है। अब यदि इसमें क्या हो, किसी रीजन से, ठीक है, ये जो गेन है इसमें कुछ चेंजेस आए, ठीक है, तो उस चेंजेस से क्या होगा उसको हम देखते हैं, ठीक है। मतलब इसका हम क्या करने जा रहे हैं, डिफ्रेंशिएशन करने जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। तो यदि मैं क्या करूँ, इसका लॉग ले लेता हूँ पहले, ठीक है, यहाँ पर मैं लॉग ले लिया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ए माइनस लॉग ए वन प्लस ए बीटा ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब यदि इस इक्वेशन का मैं ए के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, लॉग ए एफ का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, वन अपॉन ए एफ, ठीक है, इन टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए एफ का फिर से मुझे डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, डी ए एफ अपॉन डी ए, ठीक है, लॉग ए एफ का डिफ्रेंशिएशन ए के रिस्पेक्ट में वन अपॉन ए एफ इन टू ए एफ का फिर से डी ए एफ अपॉन डी ए, ठीक है, इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा, लॉग ए का वन अपॉन ए माइनस इसका क्या हो जाएगा, वन अपॉन वन प्लस ए बीटा होगा, और वन प्लस ए बीटा का फिर से करना पड़ेगा, तो ए का क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, तो वन इंटू बीटा, और ये वन का जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल डिफ्रेंशिएशन का रूल हमने अप्लाई किया है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए डी ए एफ अपॉन डी, सॉरी डी ए एफ अपॉन, ये ए एफ इधर है, डी ए का इधर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इस साइड से ले जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डी ए अपॉन ए, ठीक है, और ये इसमें से क्या निकाल लिया, यहाँ डी ए अपॉन ए हुआ, तो इसको बाहर निकले तो वन माइनस हो गया। अब यहाँ पर क्या है, देखिए ए का यहाँ पर मैं बाहर निकाला हूँ, ठीक है, इसमें से भी तो ए का इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये मैं कर दिया,
ए बीटा अपॉन वन प्लस ए बीटा, ठीक है। ये सिंपल समझिए, डी ए इधर गया तो डी ए यहाँ पर मैं रख दिया दोनों में, ठीक है। और यहाँ पर ए को जो है बाहर निकाल रहा हूँ दोनों में से, ठीक है, वन अपॉन ए के, तो इसमें तो ए नहीं है तो ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ए बीटा अपॉन वन प्लस ए बीटा ये हो जाएगा, मतलब ये ए और ये ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये फिर से डी ए अपॉन ए, और ये क्या हो जाएगा वन, अब इससे वन प्लस ए बीटा होगा ये, तो माइनस ए बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा वन अपॉन वन प्लस ए बीटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ए इज इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस ए बीटा इज कॉल्ड एज सेंसिटिविटी, ठीक है। तो जो डिवाइस होता है उसका सेंसिटिविटी अचीव करने के लिए हमें इस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। और ये फॉर्मूला कहता क्या है, देखिए ये क्या माना हूँ मैं, एस माना हूँ, ठीक है। तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी ए एफ अपॉन ए एफ अपॉन में और आ जाएगा डी ए अपॉन ए, ठीक है। तो इसको समझिए ये वाला, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एस इक्वल टू मुझे मिल गया, ठीक है। ये क्या माना हूँ मैं, अभी सिंपल समझिए, इसको एस माना हूँ सेंसिटिविटी, ठीक है। तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा डी ए एफ अपॉन ए एफ अपॉन डी ए अपॉन ए, ठीक है। तो एस इक्वल टू, अब ये क्या होता है, ये जो है फ्रैक्शनल चेंज इन गेन विथ फीडबैक होता है, ठीक है। ये गेन क्या है, विथ फीडबैक है, मतलब गेन विथ फीडबैक है ये वाला, ठीक है। और ये क्या है, गेन विदाउट फीडबैक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो होता है, ये क्या होता है, फ्रैक्शनल चेंज होता है, ठीक है। अब ये फ्रैक्शनल चेंज क्या होता है, इसको हम समझते हैं, ठीक है। यदि मैं कहूँ कि जो एम्पलीफायर है उसका इनिशियल गेन क्या है, ठीक है, ए एफ वन, यदि मैं कहूँ मान लो क्या है 100 है, जो गेन है वो क्या है 100 है, ठीक है। तो किसी रीजन से ये क्या हो जाता है, ठीक है, बाद में निगेटिव फीडबैक यदि यूज़ करूँ तो बाद में क्या हो जाता है, ये 80 हो जाता है, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ए एफ, ठीक है, ए एफ होगा वो क्या होगा मेरा, ए एफ टू माइनस ए एफ वन, ये होगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 80 माइनस 100 इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें जो नॉर्मली चेंज आया, ठीक है, वो क्या आया, -20, मतलब -20 टाइम्स वो क्या हो गया, यहाँ पर जो है रिड्यूस हो गया, ठीक है। तो इसका फ्रैक्शनल चेंज क्या होगा, फ्रैक्शनल चेंज होता है, ठीक है, फ्रैक्शनल चेंज इक्वल टू यहाँ पर होता है कि जो चेंजेस आया वो ये ए एफ, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ डी ए एफ, जो ए एफ में चेंजेस आया, मतलब डी ए एफ मतलब जो पहले क्या था, ए एफ वन था, तो ठीक है डी ए एफ वन, इसमें जो चेंजेस आया ये वाला है, ठीक है, मतलब ए एफ वन ये था पहले, उसमें जो चेंजेस आया ये है क्या है, -20 अपॉन जो होता है इनिशियल जो गेन होता है वो, उसका क्या होता है रेशियो, ये क्या होता है उसका फ्रैक्शनल चेंज होता है। तो डी ए एफ क्या है, -20, ठीक है, अपॉन ए एफ वन क्या है मेरा 100, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ये वाला ये हो जाएगा 0 0 कैंसल, मतलब -1/5 इक्वल टू -0.2, मतलब उसमें जो फ्रैक्शनल चेंज आया, ठीक है, वो क्या आया, -0.2, या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ 20%, ठीक है। यहाँ पर माइनस साइन क्या बता रहा है कि वोल्टेज जो गेन है वो रिड्यूस हुआ उसको बता रहा है, ठीक है। मैग्नीट्यूड क्या है इसका, 0.2 है, मतलब 20% क्या हुआ, वो जो है डिक्रीज हो गया उसको बता रहा है, ठीक है। तो ये 0.2 मैं कैसे निकाला, ये वाला, ठीक है। तो जो मेरा चेंजेस वाला जो गेन था ये वाला, ठीक है, जो चेंज हुआ वो डी ए एफ, उसमें मैं क्या किया, जो इनिशियल चेंज था ए एफ वन पहले, उसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो जो फ्रैक्शनल चेंज हुआ वो मुझे ये मिला, मतलब यही क्या होता है इसका, फ्रैक्शनल चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इज इक्वल टू क्या है, फ्रैक्शनल चेंज इन गेन विथ फीडबैक, ये क्या है, गेन विथ फीडबैक के केस में है, और ये क्या है, फ्रैक्शनल चेंज इन गेन विदाउट फीडबैक, ठीक है। तो जो फ्रैक्शनल चेंजेस आते हैं, ठीक है, वही क्या उसकी जो है सेंसिटिविटी को जो है डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो निगेटिव फीडबैक में हमने देखा क्या हो रहा है, यहाँ पर जो फ्रैक्शनल चेंज हो रहा है, ठीक है, वो निगेटिव आ रहा है, ठीक है, मतलब वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, सेंसिटिविटी कम होगी, मतलब चेंजेस कम आएंगे, तो चेंजेस कम आएंगे तो यही हमें क्या चाहिए, ठीक है, यही तो हमें चाहिए कि उनमें जो चेंजेस होता है, ठीक है, फ्रैक्शनल चेंज होता है जो गेन में, वो कम हो, और कम होगा तो हमें क्या मिलेगा, वहाँ पर जो नॉइज सिग्नल प्रोड्यूस होता है या फिर हार्मोनिक डिस्टोर्शन जो प्रोड्यूस होता है सिग्नल में, वो क्या होगा, कम होगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, सेंसिटिविटी को डिक्रीज करते हैं। तो सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है ये 1/1 प्लस ए बीटा, ठीक है।
अब देखिए हियर इज लेस देन वन, ठीक है, सेंसिटिविटी। अब यहाँ पर देखिए ए बीटा का कुछ वैल्यू होगा और ये उससे ऐड होगा, तो इस वन को डिवाइड करूँगा तो एस का वैल्यू वन से लेस देन ही आएगा, कम आएगा, हैंस डिक्रीज द स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी क्या हो जाता है, इसका डिक्रीज हो जाता है, स्टेबिलिटी डिक्रीज होता है। कहने का मतलब ये है कि उसका जो स्टेबिलिटी है, ठीक है, स्टेबलाइजेशन कहूँ या फिर वो क्या होता है, बहुत अच्छा होता है, मतलब चेंजेस कम आएगा। तो चेंजेस कम आएगा तो हमें क्या होगा, फेथफुल एम्पलीफिकेशन अच्छे से मिलेगा, लिमिट नॉइस के साथ और लिमिट हार्मोनिक डिस्टोर्शन के साथ, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पर तीसरा जो होता है, रिडक्शन इन नॉन लीनियर डिस्टोर्शन, ठीक है, डिस्टोर्शन यही क्या है, हार्मोनिक डिस्टोर्शन है, ठीक है। तो हार्मोनिक डिस्टोर्शन भी क्या होता है, यहाँ पर जो है कम हो जाता है, मतलब ये जो कंपोनेंट दिख रहा है आपको सिग्नल का, इसमें जो है कुछ ये क्या हो जाएगा, इसके शेप में कुछ चेंजेस आ जाता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है इस टाइप का, ठीक है। तो उसी को क्या कहते हैं, हार्मोनिक जो है डिस्टोर्शन बोलते हैं, ठीक है, मतलब जैसा सिग्नल हमें चाहिए वैसा नहीं मिल रहा होता है, उसमें क्या हो जाता है, कुछ डिस्टोर्शन, विकृति, ठीक है, कुछ परिवर्तन जो है होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अ लार्ज सिग्नल स्टेज हैज नॉन लीनियर डिस्टोर्शन, ठीक है, नॉन लीनियर डिस्टोर्शन करने का मतलब यह है कि वहाँ पर जो डिस्टोर्शन होगा, ठीक है, वो क्या होगा, लीनियर नहीं होगा, ठीक है, वो क्या होगा, अलग अलग होगा, मतलब हर टाइम्स जो है अलग हो सकता है, ठीक है, हर जगह पर अलग अलग हो सकता है। तो द रीज़न इज दैट द वोल्टेज गेन चेंजेस एट द वेरियस पॉइंट्स इन द साइकिल, ठीक है, वोल्टेज गेन मतलब जो वोल्टेज का कंपोनेंट होता है, ठीक है, वो साइकिल में क्या होता है, वो चेंजेस होते जाता है, ठीक है, अलग अलग जगह पर, ठीक है। द यूज़ ऑफ नेगेटिव फीडबैक इन लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर्स रिड्यूस द नॉन लीनियर डिस्टोर्शन, और ये जो डिस्टोर्शन होता है इसको हम नेगेटिव फीडबैक के यूज़ से जो है रिड्यूस कर सकते हैं इसको। चलिए मैथमेटिकली जो है यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, लेट द एम्पलीफायर विथ गेन ए, ठीक है, प्रोड्यूस अ डिस्टोर्शन डी। अब यहाँ पर देखिए जो एम्पलीफायर है विथ गेन ए, विथ गेन मतलब विदाउट फीडबैक के केस में जो गेन है वो क्या है, ए है, ठीक है। तो जो डिस्टोर्शन है मतलब इसमें जो कुछ चेंजेस होंगे, ठीक है, वो क्या है, मैं माना हूँ यहाँ पर डी है डिस्टोर्शन, ठीक है, विदाउट फीडबैक, ठीक है। लेट द एम्पलीफायर विथ गेन ए प्रोड्यूस अ डिस्टोर्शन डी विदाउट फीडबैक, विदाउट फीडबैक मतलब ये प्रोसेस अभी जो है ये गया नहीं है, ठीक है, मतलब यहाँ पर जो फीडबैक सिग्नल है वो जीरो है अभी, ठीक है, तब के केस में। द गेन बिकम्स ए एफ, अब यहाँ पर देखिए, सपोज व्हेन द फीडबैक इज अप्लाइड, जब फीडबैक जो है यहाँ पर अप्लाई किया जाता है, मतलब ठीक है, यहाँ पर फीडबैक पार्ट कुछ दिया जाता है आउटपुट का, तब क्या हो जाएगा, ठीक है, एंड द डिस्टोर्शन इन द आउटपुट बिकम्स डी एफ नाउ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर जो सिग्नल मिलेगा, ठीक है, तो निगेटिव फीडबैक है तो वो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर वो जो है ऑपोजिट फेस में मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो डिस्टोर्शन आएगा, ठीक है, यहाँ द गेन बिकम्स ए एफ एंड द डिस्टोर्शन इन द आउटपुट बिकम्स डी एफ, ठीक है। तो जब ए एफ आ जाता है, ठीक है, तो डिस्टोर्शन क्या हो जाता है, यहाँ पर जो है वो डी एफ हो जाता है, मतलब जब गेन अप्लाई किया जाता, सॉरी, फीडबैक जब दिया जाता है यहाँ पर, तो जो गेन के थ्रू हमें जो सिग्नल मिलता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, डी एफ हो जाता है। नाउ फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट डिस्टोर्शन फेड बैक टू द इनपुट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समझिए, ठीक है, विदाउट फीडबैक के केस में डिस्टोर्शन डी था, जब फीडबैक मिला तो वी एफ यहाँ गया, तो ए एफ मतलब जब फिर से क्या हुआ, एम्पलीफाई होकर ए का, और मुझे क्या मिला, ये एम्पलीफाइड सिग्नल मिला ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिस्टोर्शन है वो डी एफ है, ठीक है, मतलब जब ए दिया गया था, मतलब फीडबैक जब हमने अप्लाई नहीं किया था तो डिस्टोर्शन डी था इस सिग्नल में, आउटपुट में, लेकिन जब यहाँ पर फिर से गया फीडबैक के रूप में ये चला गया और उसके बाद जो सिग्नल मिला, ठीक है, उसमें जो डिस्टोर्शन है, ठीक है, वो क्या है, डी एफ है, ठीक है। तो एम्पलीफाइड होने के बाद जो ये सिग्नल मिला है उसमें जो डिस्टोर्शन है यहाँ पर वो क्या है, डी एफ है। तो यहाँ पर देखिए, अब ये क्या हो जाएगा, ये जो सिग्नल फिर से यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर जो अपोजिट फेड में मिलेगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, इसका बीटा टाइम्स हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर वोल्टेज का क्या है, बीटा टाइम्स हुआ है, यहाँ जो आउटपुट वोल्टेज इधर से आया था वो वाला, ठीक है, उसी प्रकार डिस्टोर्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर बीटा डीएफ हो जाएगा ये वाला, ठीक है, मतलब डिस्टोर्टेड जो आउटपुट यहाँ पर आया इसका, ठीक है, तो उसके बाद जाएगा तो उसमें जो डिस्टोर्शन भी क्या हो जाएगा, बीटा टाइम्स हो जाएगा इससे होकर जाएगा, तो ठीक है। तो ये वही बोला गया है, ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट डिस्टोर्शन फेड टू इनपुट, ये बीटा डीएफ है। आफ्टर एम्पलीफिकेशन द डिस्टोर्टेड आउटपुट ए बीटा डीएफ हो जाएगा। अब देखिए, आफ्टर
एम्पलीफिकेशन। अब ये जो क्या है, ये वाला जो सिग्नल है फिर से यहाँ पर जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो यहाँ पर सिग्नल जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, फिर से ए बीटा डी एफ हो जाएगा। मतलब यहाँ पर ये जो गया बीटा डी एफ वाला, ये गया, ठीक है। तो उसके बाद जो यहाँ पर सिग्नल मिला उसमें भी क्या रहेगा, बीटा डी एफ रहेगा। तो एम्पलीफिकेशन के बाद क्या हो जाएगा, ये आउटपुट डिस्टोर्शन में फिर से, ठीक है, एम्पलीफिकेशन के बाद इसका जो डिस्टोर्शन है वो ए टाइम्स और बढ़ जाएगा, ठीक है। एम्पलीफिकेशन फिर से इसका होगा तो ये क्या हो जाएगा, ए टाइम्स और बढ़ गया। तो आफ्टर एम्पलीफिकेशन द डिस्टोर्टेड आउटपुट क्या हो गया, ए बीटा डी एफ हो गया। तो यहाँ पर नेट डिस्टोर्शन जो डी एफ है, ठीक है, अब नेट डिस्टोर्शन जो टोटल नेट डिस्टोर्शन है कितना हुआ, वो क्या हो जाएगा, ओरिजिनल डिस्टोर्शन ये पहले डी एफ तो था, ठीक है, डिस्टोर्टेड आउटपुट, उसके बाद जो ये आउटपुट में मुझे मिला, क्या मिला, ए बीटा डी एफ ये मिला। और ये क्या होता है, रिड्यूस होता है निगेटिव फीडबैक के केस में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस ए बीटा डी एफ होगा, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा, ये डी एफ इक्वल टू डी प्लस माइनस ए बीटा डी एफ, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डी एफ प्लस ए बीटा डी एफ इक्वल टू डी हो जाएगा। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एफ वन प्लस ए बीटा, ठीक है। तो डी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी अपॉन, ठीक है, यहाँ पर हमारा हो जाएगा डी अपॉन वन प्लस ए बीटा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो इंटरनल गेन के केस में जो डिस्टोर्शन था वो डी था, ठीक है, वो डी क्या हो जाएगा, अब वन प्लस ए बीटा टाइम्स जो है रिड्यूस्ड हो जाएगा। मतलब इतने वैल्यूज में इसको डिवाइड करूंगा तो जो पहले डी था वो तो कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर डी क्या हुआ, जो डिस्टोर्शन था वो क्या हुआ, वो कम हुआ, ठीक है। कब, जब हमने यहाँ पर निगेटिव फीडबैक अप्लाई किया, ठीक है, ये वाला, तब डिस्टोर्शन इज रिड्यूस्ड बाई अ फैक्टर वन प्लस ए बीटा, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्टोर्शन जो होता है, हार्मोनिक डिस्टोर्शन जो चेंजेस आता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, यहाँ पर जो है वो कम हो जाता है निगेटिव फीडबैक अप्लाई करने के बाद। अब देखिए रिडक्शन इन नॉइज, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, देयर इज ऑलवेज अ नॉइज वोल्टेज इन द एम्पलीफायर, ठीक है। हमने जो वोल्टेज अप्लाई किया है यहाँ पर वो क्या है, यहाँ पर वोल्टेज के केस में है, देयर इज ऑलवेज अ नॉइज वोल्टेज इन द एम्पलीफायर, द आउटपुट ऑफ द एम्पलीफायर कंसिस्ट ऑफ आउटपुट सिग्नल एंड अ नॉइज वोल्टेज, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर, ठीक है, कोई भी डिवाइस हम जानते हैं नॉइजी होता है, ठीक है। तो नॉइजी होता है उसको हमें क्या करना है, एक लिमिट तक रखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर वोल्टेज सोर्स के केस में उसको नॉइज वोल्टेज बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो आउटपुट में सिग्नल मिलता है उसमें क्या होता है, कुछ नॉइज वोल्टेज होता है, ठीक है, उसको हमने एन मान लिया है। आफ्टर द एम्पलीफिकेशन ऑफ निगेटिव फीडबैक द नॉइज वोल्टेज एन एफ इज गिवन बाय, सिमिलरली यहाँ पर देखिए वो भी क्या होगा, रिड्यूस होगा। यहाँ डी एफ था, यहाँ पर नॉइज में भी क्या होगा, पिछले वाला सेम केस अप्लाई होगा, तो एन एफ इक्वल टू हो जाएगा एन अपॉन वन प्लस ए बीटा, ठीक है, यही मिलेगा, हम सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो नॉइज़ होता है आफ्टर एम्पलीफिकेशन के बाद वो भी क्या हो जाता है, वन प्लस ए बीटा फैक्टर द्वारा क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। मतलब वन प्लस ए बीटा कुछ वैल्यू होगा, तो पहले नॉइज़ एन था तो उसको डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, उसका वैल्यू कम होगा, ठीक है। तो कम होगा तो यहाँ पर क्या मिला, नॉइज़ को हम एक लिमिट तक जो है कम कर सकते हैं, ठीक है। इसको ज़ीरो करना पॉसिबल है नहीं, लेकिन हम कुछ हद तक इसको कम कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर निगेटिव फीडबैक जो है अप्लाई करके, ठीक है। तो रिडक्शन इज नॉइस, इसी प्रकार बैंडविड्थ भी जो है हम इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए चेंज इन इनपुट इम्पिडेंस, ठीक है। अब हम जानते हैं कि एम्पलीफायर निगेटिव फीडबैक टोपोलॉजीज के केस में हमने इनपुट इम्पिडेंस पर जो है इफेक्ट देखा था निगेटिव फीडबैक अप्लाई करने के बाद, ठीक है। कुछ केस में क्या होता था, इंक्रीज होता था, कुछ केस में जो है डिक्रीज होता था। तो इसके हम चार केसेस देखे थे, वोल्टेज एम्पलीफायर, करंट एम्पलीफायर, ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर, ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर। इन चारों एम्पलीफायर के लिए हम चार बार जो है इनपुट इम्पिडेंस जो है कंसिडर किए थे, ठीक है। चेंज इन आउटपुट इम्पिडेंस, इसी प्रकार हमने चारों केस के लिए आउटपुट इम्पिडेंस भी जो है चार बार कंसिडर किया था, ठीक है। तो आप पिछले लेक्चर्स को देख सकते हैं, ठीक है। तो यदि आपको एग्ज़ाम में ये राइट करना है तो आप क्या करना, ठीक है, आप इनमें से एक एक जो टॉपिक होगा, ठीक है, किसी भी वोल्टेज एम्पलीफायर, करंट एम्पलीफायर, ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर या ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर के लिए, ठीक है, वहाँ पर हेडिंग डालकर आप उनमें से जो है इनपुट इम्पिडेंस और आउटपुट इम्पिडेंस पर जो इफेक्ट होता है उसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब हम निगेटिव फीडबैक के यूज़ से उसको भी क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये था हमारा, ठीक है, कुछ निगेटिव फीडबैक के एडवांटेज, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। We'll be right back.